दिस न्यूज बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल नौकछिया भागलपुर। नए सत्र के लिए नामांकन। नमस्कार, मैं हूं वरुण बाबुल और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आइए करते हैं न्यूज बुलेटिन की शुरुआत हेडलाइंस के साथ। किसानों की जमीन के मुआवजे की मांग को लेकर चौथे दिन भी जारी रहा धरना। धरना के समर्थन में आए कई लोग। कामधेनु बना कटाव निरोधी कार्य, हर साल होते हैं करोड़ों रुपए खर्च। नौगछिया के खरीक विद्युत पावर सब स्टेशन को जल्द चालू करने को लेकर किया गया बातचीत। विक्रमशिला पुल व पहुंच पथ पर लगा रहा भीषण जाम, परेशान रहे लोग। नौगछिया के रंगराम में एक 28 वर्षीय युवक पाए गए कोरोना पॉजिटिव। नारायणपुर में 2 कोरोना मरीज की हुई पुष्टि। गोपालपुर में कोरोना के मरीजों के मिलने का सिलसिला हुआ जारी। पुलिस ने वाहन जांच में स्कॉर्पियो से बरामद किया रैपर, सील स्टिकर, हजारों ढक्कन, स्कॉर्पियो जब्त, चालक हिरासत में। नौगछिया में 5 ओवरलोड वाहनों को किया गया जब्त। गड्ढे में फंसी बस, मची अफरा तफरी। नशे में थूक फेंकने के दौरान डिवाइडर से टकरा, पलट गई टेम्पो, चालक समेत 2 जख्मी, मायागंज रैपर। नवगछिया भागलपुर सहित आसपास जिलों की खबरें हेतु सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और साथ ही सदस्य बने हमारे जीएस न्यूज परिवार के। किसानों की जमीन के मुआवजे की मांग को लेकर चौथे दिन भी धरना जारी। धरना के समर्थन में आए कई लोग। जाह्नवी चौक से इस्माइलपुर मुख्यालय तक अधर में लटके रिंग बांध के निर्माण कार्य। किसानों के मुआवजे की मांग को पिछले 4 दिनों से धरना जारी है। धरना पर बैठे इस्माइलपुर प्रखंड के जिला परिषद सदस्य विपिन मंडल को ग्रामीणों के साथ साथ अनुमंडल के अन्य क्षेत्र के लोगों का सहयोग मिल रहा है। शनिवार को धरना के चौथे दिन धरना स्थल पर सुबह से ही इस्माइलपुर प्रखंड के लोगों का आना शुरू हुआ है और धरना स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है और धरना में सहयोग के लिए आए लोगों को मास्क दिया जा रहा है। वहीं मौके पर जिला परिषद सदस्य विपिन मंडल ने कहा कि बाढ़ से सिर्फ फसल ही नहीं प्रभावित होती, प्रखंड के सैकड़ों रोड क्षतिग्रस्त हो जाती है और बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है। जब तक इस समस्या का ठोस निदान नहीं निकल जाता, धरना जारी रहेगा। किसी ने सुधी ली है? नहीं, अभी सीओ साहब आए थे, वो भी हम लोग के प्रतिनिधि में आए थे कि क्षेत्र बहुत परेशान रहता है और तो कोई आए नहीं है। कल मंत्री जी आने वाले हैं, इसमें आपको क्या लग रहा है? क्या कल मंत्री जी आए? पूरे विभाग को मैंने बहुतों बार लिखा, मुख्यमंत्री से लेके यहाँ के कार्यपालक अभियंता, डीएम, सबको बहुतों बार लिख चुका हूँ और अपने प्रयास से लगभग आधा बांध भी बनाया, आधा लोगों का सहमति भी दिलवाया। थक हार के मैं इस अनशन पे बैठा हूँ, धरना प्रदर्शन कर रहा हूँ विभागीय उदासीनता के कारण। कल मंत्री आ रहे हैं। वहीं पूछे जाने पर जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता अनिल कुमार ने कहा कि इस्माइलपुर से जाह्नवी चौक तक रिंग बांध का निर्माण कार्य जल्द पूर्ण हो, इसको लेकर विभाग लगातार प्रयासरत है। विभाग के द्वारा किसान की जमीन चिन्हित कर नोटिस कर दिया गया। किसानों का सहमति पत्र प्राप्त होने के बाद ही किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा मिलेगा। लेकिन वो प्रखंड इतने बाल से रहते हैं, मेरे गांव का जनता पानी चलने का व्यवस्था नहीं मिलता है, पशु को खाने के लिए नहीं मिलता है, आदमी को खाने के लिए नहीं मिलता है और सरकार को जब हम लोग कहते हैं तो वो क्या देता है? 2000 रुपया अकाउंट पे क्षतिपूर्ति के रूप में, उसमें 2000 रुपया दलाल लेता है। जो समझ अवसर लेता है हो गए, दलाल लेता है अवसर के थ्रू दलाल पैदा करता है, दलाल लेता है, उसमें 2000 लेता है, 4000 खत्म करता है और पशु को खाने के लिए नहीं मिलता है। कामधेनु बना कटाव निरोधी काम, हर साल होते हैं करोड़ों रुपए खर्च। नौगछिया अनुमंडल में गंगा व कोशी में कटाव निरोधी व बाढ़ संघर्षात्मक कार्य ठेकेदारों, विभागीय अभियंताओं व नेताओं के लिए कामधेनु बन गया है। पिछले एक दशक से हर वर्ष करोड़ों रुपए की लागत से गंगा नदी में इस्माइलपुर, बिनटोली, राघोपुर व कोसी नदी में पिपरपंती, मरेचा, सुखचा व सोहड़ा, मदरोनी में कटाव निरोधी कार्य करवाए जाते हैं। जल संसाधन विभाग के बाढ़ कैलेंडर के अनुसार 15 जून से बाढ़ संघर्षात्मक कार्य, फ्लड फाइटिंग में करोड़ों रुपए जल संसाधन विभाग द्वारा खर्च किए जाते हैं। इसके बावजूद कटाव का दायरा प्रतिवर्ष बढ़ते जा रहा है। विभाग द्वारा इस्माइलपुर बिनटोली के बीच बनवाए गए अधिकांश स्पर की लंबाई मात्र नाम मात्र की रह गई है। स्पर संख्या 5 से लेकर 7 के डाउनस्ट्रीम में गंगा नदी तक सुरक्षात्मक तटबंध के बिल्कुल नजदीक पहुंच गई है। कटाव के कारण हजारों एकड़ उपजाऊ फसल जमीन गंगा व कोसी नदी के गर्भ में समा चुका है। खरीक विद्युत पावर सब स्टेशन को जल्द चालू करने को लेकर हुई बातचीत।
खरीक विद्युत पावर सब स्टेशन को जल्द चालू करने को लेकर खरीक प्रखंड संघर्ष समिति के संयोजक सह जिला परिषद गौरव राय ने प्रोजेक्ट एक्सक्यूटिव से बात की है। बातचीत के दौरान प्रोजेक्ट एक्सक्लूसिव ने विलंब का कारण काम में आ रही बाधाओं और समस्याओं के बारे में अवगत कराया और कहा कि अब खरीक पावर सब स्टेशन में लगे पावर ट्रांसफार्मर को अन्य स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जिसका खरीक प्रखंड संघर्ष समिति ने पुरजोर विरोध किया है और कहा कि पावर ट्रांसफार्मर को खरीक सब स्टेशन से अन्यंत्र किसी भी कीमत पर नहीं जाने दिया जाएगा। इसके लिए संघर्ष समिति और खरीक के जनता भरपूर विरोध करेगी। साथ ही विभाग को यह आश्वासन दिया गया कि आ रही रुकावटों को दूर करने में संघर्ष समिति खरीक की जनता और प्रतिनिधियों की मदद से समस्याओं को दूर कर कार्य को संपन्न कराने में भरपूर मदद करेगी। किसी भी कीमत पर खरीक सब स्टेशन से ट्रांसफार्मर अन्यंत्र नहीं जाने दिया जाएगा। शनिवार को इसके लिए जिला परिषद गौरव राय फेसबुक पर लाइव आकर सबों से इस समस्या पर चर्चा की, साथ ही सहयोग की अपील की है। विक्रमशिला पुल व पहुंच पथ पर लगा रहा भीषण जाम, परेशान रहे लोग। विक्रमशिला पुल एवं पहुंच पथ पर शनिवार को भीषण जाम लग जाने के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पुल एवं पहुंच पथ पर जाम रहने के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लगी हुई थी। जाम में सवारी वाहनों के अलावे कई आवश्यक सेवा की वाहन घंटों जाम में फंसी हुई रही। पुल व पहुंच पथ पर जाम लग जाने के कारण मोटरसाइकिल से भी भागलपुर आने जाने में परेशानी हो रही थी। जाम के कारण लोगों को भागलपुर आने जाने में 4 से 5 घंटे का समय लग रहा था। वहीं पूछे जाने पर थानाध्यक्ष रामचंद्र यादव ने कहा कि वाहन चालकों के द्वारा पुल पर ओवरटेक करने के कारण जाम की समस्या उत्पन्न हुई थी। जाम के कारण वाहनों को पुलिस द्वारा कतारबद्ध कर निकाला जा रहा है। नवगछिया के रंगराम में एक 28 वर्षीय युवक पाए गए कोरोना पॉजिटिव। नवगछिया के रंगरा थाना क्षेत्र के तिनटेंगा दियारा दक्षिण पंचायत के एक 28 वर्षीय युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। कोरोना से संक्रमित युवक तिनटेंगा दियारा दक्षिण पंचायत के उसरैया गांव का बताया जा रहा है। संक्रमित युवक की ट्रेवल हिस्ट्री रही है। वह पिछले 8 जून को दिल्ली आनंद विहार से तिनटेंगा स्थित अपने घर वापस लौटा था। इसके बाद वह पिछले 12 जून को जांच के लिए रंगरा पीएससी पहुंचा, जहां चिकित्सकों द्वारा उसकी स्क्रीनिंग की गई तो उसमें कोविड-19 के संभावित लक्षण पाए गए। उसके बाद उसकी सैंपलिंग कराई गई। शनिवार को युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम संक्रमित युवक के घर पहुंची और उसे एम्बुलेंस के जरिए मायागंज अस्पताल भेज दिया गया। नारायणपुर में 2 कोरोना मरीज की हुई पुष्टि। नारायणपुर प्रखंड के नगरपारा, दक्षिण पंचायत के नगरपारा एवं रायपुर पंचायत के मोहनपुर गांव में एक एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि शनिवार को पीएससी नारायणपुर के स्वास्थ्य प्रबंधक शंकर पासवानी की आशय की जानकारी देते हुए बताया कि पॉजिटिव पाए गए दोनों 40 वर्षीय मरीज दिल्ली से प्रवासी मजदूर के रूप में लौटकर नगरपारा क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे थे। कोरोना का लक्षण पाए जाने पर मदन इलिया महिला कॉलेज में सैंपलिंग के लिए गए थे। पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद मायागंज अस्पताल भागलपुर में दोनों मरीज को आइसोलेट किया गया है। पुलिस ने वाहन जांच में स्कॉर्पियो से बरामद किया रैपर, सील, स्टिकर, हजारों ढक्कन, स्कॉर्पियो जब्त, चालक हिरासत में। नारायणपुर के भवानीपुर थाना क्षेत्र के NH 31 भगवान पेट्रोल पंप के पास शनिवार की सुबह वाहन जांच के दौरान BR 34P 3912 स्कॉर्पियो वाहन से रॉयल स्टैग शराब के बोतल में लगने वाले 990 रेपर, 923 ढक्कन, ढक्कन के ऊपर सील करने वाला 1000 पीस स्टिकर भवानीपुर पुलिस के सहायक अवर निरीक्षक अनिल रविदास पुलिस बल की मदद से बरामद की है। वही कांड को लेकर भवानीपुर पुलिस ने स्कॉर्पियो जब्त कर खगड़िया जिले के चालक परवत्ता थाना क्षेत्र के बड़ी लगा निवासी शुभम कुमार उर्फ देवराज यादव को गिरफ्तार किया है। नवगछिया में 5 ओवरलोड वाहनों को किया गया जब्त। नवगछिया SDO मुकेश कुमार एवं SDPO प्रवेंद भारती के निर्देश पर विक्रमशिला पुल पहुंच पथ पर शनिवार को ओवरलोड चेकिंग अभियान चलाया गया। इस चेकिंग अभियान के दौरान परवत्ता पुलिस ने ट्रकों की जांच की। परवत्ता थानाध्यक्ष रामचंद्र यादव ने बताया कि जांच अभियान के दौरान 5 ओवरलोड ट्रकों को जब्त किया गया है। गड्ढे में फंसी बस, मची अफरा तफरी। बेगूसराय से पूर्णिया जा रही बस खरीक उर्दू चौक के गोट खरीक चौक जाने वाली सड़क पर बने गड्ढे में फंस गई, जिससे उस पर सवार लोगों में अफरा तफरी मच गई। सभी यात्री जान को जोखिम में डालकर बस से बाहर निकले। काफी मशक्कत के बाद बस को गड्ढे से निकाल कर गंतव्य स्थान के लिए रवाना किया गया। बस खाई में फंसने से तकरीबन 1 घंटे तक यातायात बाधित रहा। नशे में थूक फेंकने के दौरान डिवाइडर से टकराकर पलट गई टेम्पो, चालक समेत 2 जख्मी, मायागंज रेफर। बाबा विश्व राउत पुल के संपर्क पथ गोला टोला काली मंदिर समीप शनिवार की शाम करीब 6 बजे नवगछिया 0 माइल की तरफ तेज रफ्तार में जा रही एक टेम्पो 4 लेन सड़क के डिवाइडर से टकराकर पलट गई। टेम्पो पलटते ही उस पर सवार खगड़िया जिले के अगवानी पर्वता निवासी चालक मोथरी मंडल के पुत्र
हेतवारी मंडल व धर्मेंद्र मंडल गंभीर रूप से घायल हो गए। वहां मौजूद प्रत्यक्ष दर्शियों ने दौड़कर दबे चालक व अन्य को बाहर निकाला। धर्मेंद्र के पैर टूटने के साथ साथ पैर और सीने व माथे पर चोट लगने से मुंह से ही खून बह रहा था। चालक शराब के नशे में धुत होकर चौसा के सोहराय टोला से कदवा फोरलेन सड़क के रास्ते अपने घर खगड़िया जिले के अगुवानी पर्वता जा रहे थे। वहीं राहगीरों द्वारा कदवा पुलिस को घटना की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष भूपेंद्र कुमार ने तुरंत मौके पर पहुंचकर दोनों घायलों को उठा इलाज के लिए नौगछिया अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सक ने धर्मेंद्र मंडल की नाजुक स्थिति को देख मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। देर शाम तक घायलों की स्थिति ठीक बताया जा रहा था।